हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास है रियलमी C67 5G, इसमें आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे कॉल सेटिंग के फीचर कैसे आपसे यूज करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसके बाद आपको राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाके सेटिंग में आ जाएंगे आप। सेटिंग में जब जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ मिल जाता है आपको कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस पर जब जाएंगे तो इन दोनों को आपको ऑन कर देना है। अब इन दोनों को ऑन करने से क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर काम करता है तो वो आपको पहले ही नाम वगैरह आईडी वगैरह बता देता है, कहाँ से कॉल आ रही है, किसकी आ रही है, स्पैम कॉल है, कौन सी कॉल है, वो सारी आपको बताई गई है। जैसे ट्रू कॉलर काम करता है सेम वैसा आपके फ़ोन में काम करेगा। इसके बाद आपको मिल जाता है एसेसिबिलिटी, इस पर जाएंगे तो यहाँ मिल जाता है नॉइज़ रेड्यूशन, इसे ज़रूर से ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है, जैसे आप कहीं पब्लिक प्लेस में हो तो जो बैकग्राउंड में आपको जो नॉइस होता है उससे कैंसिल करने का काम करता है ये। इसे आप ज़रूर से ऑन कर लें अपने फ़ोन के अंदर। इसके बाद आपको जाना है ब्लॉक नंबर्स, अगर आपको कोई भी नंबर ब्लॉक करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अननोन नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है तो इसे ऑन कर देंगे, इसके बाद जो भी अननोन नंबर होंगे सारी कॉल आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, यहीं से ऐप से ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास कोई पर्सनल नंबर है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो ऐड ए फोन नंबर पर जाएंगे और यहाँ से आप उस नंबर को इसमें आप ब्लॉक कर देंगे तो ये नंबर आपका ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो जाता है। इन फ्यूचर अनब्लॉक करना है तो इस पर क्लिक करके इसे आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ आपको मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद आंसर एंड एंडिंग कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको आंसर मिल जाता है ऑटो आंसर कॉल व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस। इससे क्या होता है, जब आपके अपने फ़ोन के अंदर कोई ब्लूटूथ या हैंडसेट या अपने हेडफोन कनेक्ट कर रखा है उसके 10 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी, अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तब। तो यहीं से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। टाइम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, 5 सेकंड 3 सेकंड जो भी टाइम चाहिए वो यूज कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसे ऑन करेंगे जब आपकी कॉल के दौरान पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो आपकी कॉल एंड हो जाएगी। इसे आप ऑन कर भी सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, नहीं जरूरत तो इसे आप ऑफ ही रहने दें। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है वाइब्रेट व्हेन अदर पार्टी एंड आंसर एंड डिक्लाइन कॉल, इससे क्या होता है आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होगा ताकि आपको पता लग जाए जब हमने सामने वाले की कॉल कनेक्ट हुई है या कॉल डिसकनेक्ट होती है, तब आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होगा ताकि आपको पता लगे हमारी कॉल कनेक्ट हो गई या डिसकनेक्ट हो गई। इस प्रकार से आपसे यूज करेंगे। मोर सेटिंग पर जाएंगे, मोर सेटिंग में जाने के बाद फ्लैश ऑन कॉल, आपकी जो फ्लैश लाइट है वो कैमरा फ्लैश ब्लिंक करेगी जब आपको कोई कॉल आएगी तब। इस प्रकार से आपसे यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। इसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से जाके आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट नोटिफिकेशन। पहला ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कॉल अननोन नंबर, इसे ऑन कर देंगे ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी अननोन नंबर होंगे उनकी सारी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होंगी। अब जो सिलेक्टेड नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो इस पर जाएंगे, इसे ऑन करके ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे और चूज कॉन्टैक्ट पर जाकर उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्ले ऑडियो टोन इंस्टेंट ऑफ डिस्क्लेमर, इसे ज़रूर से ऑन कर लेंगे। इससे क्या होता है, जिससे आप जो कॉल के दौरान जो आपको साउंड सुनाई देता है कॉल रिकॉर्डिंग हैड बीन स्टार्टेड, वो साउंड आपको इसे ऑन करने के बाद सुनाई नहीं देगा, इसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इसे आप ऑन करने से पहले इसे आप पूरा रीड कर सकते हैं, जो कि अब इसको हटा दिया है, उसकी जगह सिर्फ आपको एक बीप सुनाई देगा जो रिकॉर्ड कीजिए, उसकी जगह आपको एक बीप सुनाई देगा, उसे आप अपने साथ यूज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिना नोटिफिकेशन के आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन, जो आपके डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट होते हैं वो कैसे शो करने हैं, नेम फॉर्मेट फर्स्ट नेम या सर नेम, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाके हमें मिल जाता है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, इस पर जाएंगे, इस पर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ मिल जाते हैं 3 ऑप्शन, ऑलवेज ओनली यूज हैंडसेट या नेबर, इससे क्या काम करता है, इसे आप ओनली हैंडसेट पर क्लिक कर देंगे। जब अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ या हैंडसेट कुछ भी कनेक्ट करेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर जिसकी भी कॉल आएगी तो उसका आपका फ़ोन नाम बोलकर बताएगा ताकि आपको पता लगे इसकी कॉल आ रही है। नीचे जाएंगे फ्लिप टू साइलेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन कर लेंगे। इससे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है अपने फ़ोन को आप फ्लिप कर देंगे तो वह कॉल आपकी म्यूट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।